प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्काई एजुकेट चैनल को और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, स्काई एजुकेयर चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम शैक्षिक प्रबंध नाम के टॉपिक की श्रृंखलाएं पढ़ रहे थे, उसी श्रृंखला में आज जिस टॉपिक का हम अध्ययन करेंगे वो है विकेंद्रीकरण आयोजन की इकाई के रूप में विद्यालय। सबसे पहले तो इस टॉपिक का अर्थ समझते हैं। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि जिम्मेदारियों को नीचे वाले स्तर पर दे देना। एक व्यक्ति में जिम्मेदारियां ना हो करके, सत्ता ना हो करके जब विभिन्न जगह विभाजित हो जाए, छोटे स्तरों में बंट जाए, उसको विकेंद्रीकरण कहते हैं। अब ये कहते हैं कि आयोजना की इकाई के रूप में विद्यालय। आयोजना का मतलब होता है प्लानिंग, काम करने का तरीका। तो विद्यालय जो संगठन है, ये योजना और उनके क्रियान्वयन में कितनी भूमिका अदा करता है और उसमें केंद्रीकरण से क्या लाभ होता है, ये सब हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। सादा भाषा में अगर हम समझें तो विद्यालय नाम का जो संगठन है वो शैक्षिक स्तर की बनाई गई योजनाओं में अपनी क्या भूमिका निभाता है, ये है। अब सबसे पहले विकेंद्रीकरण का बिल्कुल पारिभाषिक अर्थ समझते हैं। तो विकेंद्रीकरण का अर्थ होता है सत्ता का विभाजन हो जाना। सत्ता मतलब जो अधिकार है नियम बनाने के, योजनाएं बनाने की और उन्हें क्रियान्वयन करने के, उन सत्ताओं का विभाजन हो जाना। यदि एक व्यक्ति बहुत बड़ी टीम के साथ एक योजना बनाता है तो वह योजनाएं बहुत अच्छी भी होंगी और उनका क्रियान्वयन एक ही प्रकार से करने की जगह विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार विद्यालय कर सके, इस प्रकार की उनको अधिकार और जिम्मेदारियां दे देना ही विकेंद्रीकरण है शैक्षिक परिवेश में। विकेंद्रीकरण से संबंधित कुछ विद्वानों की परिभाषाएं हैं जो कि इस प्रकार हैं। सबसे पहले हेनरी फ्योल की परिभाषा देखते हैं। ये कहते हैं कि वे सभी कार्य जिसमें अधीनस्थ की भूमिका में वृद्धि हो जाए उसे विकेंद्रीकरण कहते हैं। और दूसरे विद्वान हैं मैसी, ये कहते हैं कि निर्णय प्रक्रिया का निम्न स्तर पर जब हस्तांतरण हो जाता है उसे विकेंद्रीकरण कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, इन परिभाषाओं को समझते हैं। पहली परिभाषा कहती है कि अधीनस्थ की भूमिका में वृद्धि हो। यदि हमारे साथ ऐसा हो कि एक व्यक्ति प्लान बना ले, योजना बना ले और नीचे वाले लोग जो हैं उन्हें उसी के व्यक्ति के दिमाग से काम करना पड़े तो वो काम बहुत ही बोझ हो जाता है। या दूसरा तरीका ये होता है कि हमें शिक्षा के स्तर में इस प्रकार उन्नति लानी है, अब आप अपने स्तर पर ये देखिए कि ये काम आप किस प्रकार कर सकते हैं। तो अधीनस्थ का मतलब है जितने भी विद्यालय किसी बड़े प्रबंध इकाई के अंतर्गत आते हैं वे उन्हें अपनी परिस्थितियों और अपनी सुविधाओं के अनुसार अपने विद्यालय में और अपने छात्रों के साथ उनकी व्यवस्थाएं कर सके, ये शिक्षा के संदर्भ में विकेंद्रीकरण का अर्थ होता है। अधीनस्थ कौन होते हैं? वे सभी कर्मचारी जो बनाई गई योजना के क्रियान्वयन की प्रक्रिया के हिस्से हैं, वे सभी अधीनस्थ कहलाते हैं। अब दूसरी परिभाषा जो मैसी जी ने दी है, वे कहते हैं कि निर्णय प्रक्रिया का निम्न स्तर पर हस्तांतरण हो जाना, इसका अर्थ है कि शिक्षा के प्रबंध संबंधी जिन व्यक्तियों ने योजनाएं बनाई है वे व्यक्ति इसकी जो व्यवहारिक रूप है उससे पूरी तरह अवगत नहीं हो पाते। इसीलिए जो विद्यालय है और विद्यालय के अंतर्गत कार्य करने वाले कर्मचारी हैं वे छोटे छोटे निर्णयों के लिए बड़ी सत्ता से ना पूछें, बड़े अधिकारियों से पूछने ना जाएं, इससे कहते हैं निर्णय प्रक्रिया का हस्तांतरण। अर्थात छोटी छोटी बातों के लिए जब उन्हें किसी निर्णय के लिए दूर जाकर के उनसे पूछना न पड़े, दूर जाकर उनसे सूचनाएँ प्राप्त न करें, छोटी बातों का जो कार्यान्वयन है, क्रियान्वयन है, वे स्वयं कर सकें और छोटे छोटे निर्णय ले सकें, इस निर्णय प्रक्रिया के हस्तांतरण यानी कि बांट देने को ही विकेंद्रीकरण कहा जाता है। विकेंद्रीकरण के लाभ क्या हैं? अर्थात सत्ता के और नियंत्रण के, इन दोनों के ही यदि हस्तांतरण कर दिया जाए या योजना बनाने के, निर्णय लेने के और अधिकारों की चीज़ों को यदि नीचे वाले स्तर पर या अपने छोटे कर्मचारियों को बांट दिया जाए, इसके क्या लाभ होंगे? सबसे पहली बात, विकेंद्रीकरण जो है वो स्थानीय अनुकूलता पर जोर देता है। स्थानीय अनुकूलता पर जोर देने का क्या अर्थ है? अब हम दोस्तों देखेंगे, यहाँ पर छोटी सी एक उदाहरण के रूप में हम समझेंगे कि यदि हमें बच्चों को एक शैक्षिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत यदि हमें एक प्रायोजना के कार्य में या प्रैक्टिकल वर्क में ऐसा दिया गया है कि हमें झीलों का
दर्शनीय स्थल के रूप में देखने जाना है और झीलों का भ्रमण करना है। लेकिन सोचिए कि राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में हमें ये काम बाड़मेर में मिल गया है, तो हम ये कैसे करेंगे? या और भी कोई विहड़ या सूखे इलाके में, चंबल के विहड़ में मिल गया है, तो वहाँ के जो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय है वो इस कार्य को कैसे करेंगे? तो जो विकेंद्रीकरण है, जिसमें कि आप अपने निर्णय स्वयं ले सकते हैं छोटे स्तर पर, तो ऐसे में वहाँ के अध्यापक ये कर सकते हैं कि यहाँ पर हमारे झीलों को देखने की उपयुक्त व्यवस्था नहीं है, तो हम यहाँ पर पर्वत, पठार और भी कोई प्राकृतिक चीज़ों को देखने के लिए ये भ्रमण आयोजित कर सकते हैं, और जो कि हमारे शैक्षिक भ्रमण या एजुकेशनल टूर के रूप में परिगणित हो जाएगा। तो ये छोटी सी चीज़ है कि जो विकेंद्रीकरण में हमको जो कार्य करने के लिए शिक्षा के बड़े अधिकारियों ने हमें दिया है, उसको हम अपने तरीके से कर सकें। यद्यपि हमारी जो शिक्षा के बड़े अनुबंध अधिकारी इत्यादि हैं, उन लोगों ने हमारे शिक्षा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की है, ठीक है, लेकिन एक विद्यालय के अंतर्गत किस कक्षा में कौन जाएगा, किस समय क्या चीज़ पढ़ाई जाएगी और किस तरह के स्तर के बच्चे आपको वहाँ मिले हैं, उसके अनुसार शिक्षा की व्यवस्था करना, ये वहाँ के जो कर्मचारी हैं उन्हीं पर निर्भर हो जाए तो शिक्षा का स्तर भी सुधर सकता है और शिक्षा के हमको वांछित लाभ भी मिल सकते हैं। इसे उदाहरण से हम एक बार समझेंगे कि जैसे जयपुर, जो कि राजस्थान की राजधानी है, वहाँ पर शिक्षा के जो आयाम है वो भिन्न है। जो सामान्य शिक्षाएं हैं वो लोगों तक पहुंच जाती हैं, अभिभावक भी अधिकतर पढ़े लिखे होते हैं जो अपने बच्चों पर ध्यान दे पाते हैं, या फिर वहाँ के आसपास का परिवेश ऐसा होता है कि बच्चे स्वयं बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हैं बिना सिखाए हुए। लेकिन राजस्थान में ग्रामीण इलाका जो है वो अधिक है, वहाँ आदिवासी इत्यादि बच्चे रहते हैं, बहुत ही झोपड़ियों में, झुग्गियों में रहने वाले जो वंचित वर्ग के व्यक्ति हैं वो प्राथमिक स्तर के विद्यालयों में पढ़ा करते हैं, जो स्वयं नहीं आते उन्हें जिन्हें की लाना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में जो शिक्षा से संबंधित छोटी छोटी जानकारियां जुटाना, छोटे छोटे निर्णय लेने का अधिकार यदि प्रधानाध्यापक को होगा, यदि स्वयं अध्यापक को होगा, तो वहां की शिक्षा की व्यवस्था वो बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो जो शिक्षा है उसमें विकेंद्रीकरण का इस प्रकार लाभ होता है कि जो व्यक्ति जहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहा है उसे अनुकूल परिस्थितियों के अनुसार वहीं शिक्षा दे दी जाए और बिल्कुल जीरो लेवल से शिक्षा दे दी जाए। अगला बिंदु है दोस्तों, अंतःकरण की स्वतंत्र अभिव्यक्ति। इसके अंतर्गत दोस्तों वे सभी चीज़ें, वे सारे शिक्षा से संबंधित आयाम जो कि छात्र, अध्यापक और जो अभिभावक है, इनके बीच स्वतंत्र रूप से छात्र अपनी, अभिभावक अपनी और अध्यापक अपनी समस्याओं का डिस्कशन करके, बात करके, उनके शिक्षा से संबंधित आ रही समस्याओं को एक निचले स्तर पर समाधान करके वे आगे बढ़ सकें और शिक्षा के वांछित लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें, इसके लिए उन सभी का आपस में तालमेल होना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों विद्यालय वो एक संस्था है जहाँ पर अभिभावक आकर के छात्र की पूरी रिपोर्ट दे सकता है और अध्यापक भी जो छात्र है उससे संबंधित सारी बातें अभिभावक से शेयर कर सकता है। दोनों ही चीज़ें, दोनों ही संस्थाएं, परिवार और विद्यालय मिलकर के छात्र का भविष्य उज्जवल कर सकती हैं, जिसके लिए कि संपूर्ण शिक्षा का प्रबंध किया जा रहा है। तो ये अंतःकरण की अभिव्यक्ति तभी होगी जब हमारे पास ये सत्ता होगी कि हम आपस में मिल सकें, विभिन्न जो आयोजन हैं, वार्षिक उत्सव है, पेरेंट टीचर मीटिंग है, ऐसी आयोजन करके उन लोगों से वो सारी चीज़ें बता सके, उन्हें पूछ सके जो कि छात्र को शिक्षा से संबंधित समस्याएं आ रही है, उनका समाधान कर सके। इस प्रकार दोस्तों शैक्षिक प्रबंध के अंतर्गत विकेंद्रीकरण के बहुत सारे लाभ हैं। दोस्तों जो ये विद्यालय है ये समाज की सबसे छोटी इकाई है, लेकिन विद्यालय एक ऐसी समाज की संस्था है जो कि छात्र, अभिभावक, अध्यापक और विद्यालय, इन सबके बीच में एक मध्यस्थ कड़ी का काम करता है। अब विकेंद्रीकरण इस मध्यस्थ कड़ी में, इस समाजीकरण को बढ़ाने में बहुत सहायक है। क्यों? क्योंकि विद्यालय की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंतर्गत के सारा समाज इसमें सम्मिलित होता है। समाज के सबसे जो मजबूत कड़ी है परिवार, वो परिवार और अभिभावक और छात्र, अध्यापकों सहित विद्यालय के विभिन्न आयोजनों में शामिल होते हैं, विद्यालय के विकास की चर्चा करते हैं, विद्यालय के में जो प्रबंधन समिति बनाई जाती है, जो कि प्रबंधन समिति विद्यालय के सारे प्रशासन को चलाती है, ये विकेंद्रीकरण का ही एक सोर्स है कि प्रत्येक विद्यालय में आज
प्रबंध समिति बनाई जाती है। दूसरा, विद्यालय के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के आयोजन उत्सवों का आयोजन किया जाता है। बच्चों के छोटे छोटे बाल मेलों का, विज्ञान मेलों का आयोजन किया जाता है, जिसमें कि छात्र, अध्यापक, विद्यालय आपस में एक सामाजिकृत संस्था के रूप में इकट्ठे तो होते ही हैं, साथ ही जो विद्यालय है इसको अपनी सत्ता का उपयोग करने का वहाँ पर बहुत अच्छा इसको अभिप्राय मिलता है। और ये सारी चीज़ें एक विकेंद्रीकरण से संभव हो पाती है, चाहे हम विद्यालय में मेलों का आयोजन करें, विभिन्न वार्षिक उत्सवों का, या जितने भी भारतीय संस्कृति के अंतर्गत आने वाले विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं या त्यौहार हैं, इनका अग्रिम आयोजन विद्यालय में करके उन्हें ना केवल हमारी संस्कृति से परिचय कराया जाता है, बल्कि छात्र भी आपस में बहुत ही सामाजिक होते हैं, अध्यापक और छात्र आपस में एक दूसरे की अंतःक्रियाएं बढ़ती हैं। इसके अलावा जो अध्यापक है, जो प्रिंसिपल है, प्रधानाध्यापक है, उसे भी अपनी सत्ताओं का एक अनुभव होता है कि मेरे विद्यालय के अंतर्गत जितने भी शैक्षिक कार्यक्रम हैं, प्रशासन है, वो मेरे ही अनुसार होते हैं, जो कि स्थानीय अनुकूल परिस्थितियों के अनुसार सबसे उत्तम होता है, बजाय इसके कि कहीं किसी नियम में लिख दिया जाए कि विद्यालय में ऐसा होगा। उससे कहीं बेहतर वो प्रशासन होता है जो कि एक प्रधानाध्यापक अपनी विद्यालय की परिस्थितियों के अनुसार कर सके। अब छोटा सा इसमें उदाहरण देखेंगे कि यदि किसी उत्सव का आयोजन करना है, या ये मान लीजिए कि विद्यालय की साज सज्जा करनी है, तो अध्यापक जो प्रधानाध्यापक है वो सिर्फ ये निर्णय लेगा कि इस जगह केवल साज सज्जा करनी है, और वो अपने अपने कक्षा अध्यापक जो होंगे वो छात्रों के साथ मिलकर के अमुक अमुक जगह जो है उनकी किस प्रकार सज्जा करनी है इसके निर्देश देंगे, छात्र उन्हें करेंगे, और उसके बाद भी यदि जो कुछ काम रह जाता है तो जो चतुर्श्रेणी कर्मचारी है उनके साथ मिलकर के उसका क्रियान्वयन किया जाता है। इस प्रकार ये ही सत्ता का विकेंद्रीकरण है, जो कि सत्ता के मूल स्रोतों से प्रधानाध्यापक तक पहुँचा, और प्रधानाध्यापक के बाद छात्र तक पहुँचा, और छात्र से वो कार्य चतुर्श्रेणी कर्मचारी तक सारे कार्य पहुँच गए। इसी को सत्ता का नियंत्रण का, निर्णयों का हस्तांतरण कहा जाता है, और यही विकेंद्रीकरण का सबसे बड़ा लाभ है कि जब भी किसी व्यक्ति को अपने उत्तरदायित्व का आभास होता है, वो उसे बहुत अच्छे ढंग से करने का प्रयास करता है, बजाय इसके कि आदेशों का पालन करे वो। इसके साथ ही विकेंद्रीकृत संस्थाओं के अंतर्गत विद्यालय में विद्यालय के विकास से संबंधित कार्य हो, विद्यालय प्रबंधन समिति से संबंधित कार्य हो, विद्यालय में उत्सवों का और मेले का आयोजन किया जाए, और एक बहुत ही विशेष काम पीटीएम, जिससे कि अध्यापक और अभिभावक के मध्य जो मीटिंग की जाती है, जिसमें कि छात्र की प्रगति से संबंधित अवगत कराया जाता है अभिभावक को, या जो छात्र है की समस्या किसी अध्यापक से हो या अध्यापक की छात्र से समस्या हो, इसकी सारी प्रगति और उसकी अच्छाई बुराई का जो पता चलता है। दोस्तों, ये तो वो कार्य थे जो विद्यालय और अभिभावक से संबंधित है, और जो कुछ कार्य जो विद्यालय और अध्यापक से संबंधित होते हैं, छात्र से संबंधित होते हैं, उन कार्यों में विद्यालय की साज सज्जा समझ लीजिए, विद्यालय संबंधी जो पाठ्यक्रम की क्रियाएं हैं वो समझ लीजिए, चाहे प्रैक्टिकल उसमें भ्रमण करना हो, प्रैक्टिकल करने हो, प्रैक्टिकल फाइल बनानी हो, या पाठ्य पुस्तक जो समिति है उसका गठन करना हो, या परीक्षा समिति का गठन करना हो, ये अध्यापक से संबंधित है। समय तालिका बनानी हो, समय तालिका बनाना भी अपने आप में बहुत ही मुश्किल कार्य होता है, जो कि विद्यालय का जो प्रधानाध्यापक है वो अध्यापकों की किसी टीम बना करके उससे करवाता है, या विद्यालय के विभिन्न जो भी कार्य हैं जिनका कि वो हस्तांतरण करके अध्यापकों द्वारा अपने विद्यालय के प्रशासन को चलाता है, ये सब भी विकेंद्रीकरण के अंतर्गत आता है। इस प्रकार विकेंद्रीकरण एक ऐसा जरिया है जिससे अध्यापक, अभिभावक और विद्यालय, इसके बीच बहुत ही अच्छे से समन्वय, तारतम्यता बनी रहती है और सामाजिकता भी बनी रहती है। दोस्तों, आप में से कुछ लोगों ने मुझे यह सुझाव दिया था कि जब भी मैं कोई टॉपिक बनाऊं तो उससे संबंधित एक या दो प्रश्न ऐसे पूछ लें जिससे कि समझ में आ जाए कि टॉपिक से क्या पूछा जाएगा। तो आपके सुझाव के अनुसार एक दो प्रश्न मैंने बनाए हैं, और ये एक या दो परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आइए दोस्तों, इनकी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है ये कि SMC विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन कहाँ किया जाता है, विद्यालय में, समुदाय में, अस्पताल में, या RPSC में। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा विद्यालय में, ए। दूसरा प्रश्न है, किस गतिविधि द्वारा विद्यालय व समुदाय को निकट लाया जा सकता है, PTM या पेरेंट टीचर मीटिंग या अभिभावक मीटिंग के द्वारा, दूसरा वार्षिकोत्सव के द्वारा,
तीसरा बाल प्रदर्शनियों के द्वारा, चौथा खेलों के आयोजनों द्वारा और पांचवा उपयुक्त सही। तो दोस्तों इसमें उपयुक्त सही उत्तर होगा, क्योंकि ये सारे ही सांस्कृतिक कार्यक्रम ऐसे हैं जिसमें विद्यालय के साथ साथ उनके अभिभावक, छात्र और छात्रों के अतिरिक्त हमारे आसपास के परिवेश के व्यक्ति शामिल होते हैं, जिससे कि विद्यालय और समुदाय के बीच में अंतः संबंध प्रगाढ़ होते हैं। इस प्रकार और आगे इसके जो प्रश्न होंगे उन पर हम एक और श्रृंखला चलाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।